शायद चीफ मिनिस्टर है। गर्मी में बाहर कौन जाएगा, और वो भी जा जाएगी, कहाँ जा रहे हैं पता है, एडवेंचर पे आटा पिसाने के लिए। गर्मी ज़्यादा आपको टाइम हो रहा है कुछ 12 बज रहे हैं। मेरा लैपटॉप इसलिए मैं लेके सो गया था मेरे साइड में कि मेरा काम चल रहा था रात में, तो उसके वजह से मैं लैपटॉप साइड में रख दिया। मेरा फ़ोन भी उसी से मैंने चार्जिंग पे छोड़ दिया था। एंड सुबह उठ के सहरी किया, फिर भी उठा हूँ मैं वापस सोने। हेलो अस्सलाम नमस्ते एंड वेलकम बैक अपने भाई की नगरी में, यानी कि अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है नए दिन और नए ब्लॉग में। तो कल का जो है एक दिन मेरा स्किप हो गया, यानी कि 5 तारीख का आज है 6, तो आज पूरा दिन भर का डेली रूटीन का जो भी वीडियो बनेगा वो आएगा कल, यानी कि 7th of March। एंड तो मेरा एक दिन का वीडियो जो है स्किप हो चुका है, वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास कुछ एक्टिविटी ज़्यादा कुछ थी नहीं। सेम रूटीन पे था मैं कि 12-12:30 बजे उठ गया था आफ्टरनून टाइम में, फिर नमाज, और उसके बाद में मैं वीडियो एडिट करने लग गया था। तो वीडियो एडिटिंग होने के बाद मुझे 4:30 से 5 बज गए वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि वो वीडियो में थोड़ा सा सिनेमेटिक्स वो सीन्स ऐड नहीं हो रहे थे प्रॉपरली, तो बहुत सारा चीज़ उसके अंदर में चेंजेस करना पड़ा। तो वो सब होने के बावजूद अभी ऐसा है कि लेट्स स्टार्ट विद द न्यू ब्लॉग न्यू डे। तो आज ऐसा है कि छोटी मोटी एक्टिविटीज़ है, मुझे आज जाना था बानेर साइड में, बट अभी ऐसा है कि सुबह 8 बजे से ही इतनी धूप कि कहीं भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और कैसा है बॉडी को भी आदत से पड़ने लग गई है कि थोड़ा ठंडा रहना चाहिए। शाम के 4-5 बज जाते तो उसके बाद बाहर निकलेंगे तो 6:30-7 बजे के पहले घर आ सकते हैं। तुम कपड़े क्यों नहीं पहने? नहीं देंगे जवाब, नहीं दिखाते, आटा पिसाने जाने का था, मैं इधर पड़ गया। क्या सीन है? मैं भाई अपने मुंबई का निकल भाई का वीडियो आया, फिर मैडम को बाद में देखूंगा। ओ, ये क्या कर रहे हो तुम? वीडियो ऐसा नहीं, ऐसे बनता है। हाँ अभी बराबर यूट्यूब पे ये फ्रेम में चलता वीडियो, सीधा नहीं। A few moments later. तो अभी ऐसा है कि अल्लाह जी आ रहे हैं, आफ्टरनून टाइमिंग है नमाज का, तो नमाज पढ़ने के बाद हम लोग जो है कि कैंप जाने वाले, कैंप का प्लानिंग है। थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे ईद की, ऑलरेडी हमारे 2-3 दोस्त लोगों की भाइयों की तैयारी हो गई है। एंड मैंने पहने आज फुल स्लीव्स फॉर्मल्स के हिसाब से, क्योंकि धूप एंड ये सब रहने वाला है, तो टैनिंग बहुत जबरदस्त होता है भाई, बहुत सेंसिटिव स्किन है मेरी। हमारे जो है मुल्ला जी खास मित्र, वो आ चुके हैं और हमने हमारा ड्रेस भी ले लिया। हाँ मिल्ला जी, वालिम सलाम। अरे वालिम सलाम, वालिम सलाम बोल रहे हैं। अरे ये तो टूट गया, ये लोगों की मेहरबानी है भाई हम पे। अभी वो सामने का जो विंडशील्ड दिख रहा ना, वो विंडशील्ड भी निकालने वाला हूँ मैं, वो भी लूज हो गया। तो अभी एक साथ में पूरी गाड़ी का काम करने वाले, क्या बोलते पब्लिक, आप लोग को तो पहले से मालूम है। तो अभी बात ऐसी है कि हम थोड़ा गोल घुमा के जाने वाले हैं, जहाँ से ठंडा रहेगा, जो एरिया ठंडा रहेगा वहाँ से जाएंगे हम लोग, क्योंकि कैंप जाना आसान बात नहीं है ऐसे ऐसे टेम्परेचर में, अभी जो कि 41 कुछ टेम्परेचर दिखा रहे। तो अभी ऐसा है कि मैंने बांध लिया रुमाल, बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। और ये देखो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक जाम। ये है मेरा कॉलेज का सर्कल, ये जाता है स्टेशन की तरफ। हाँ शायद चीफ मिनिस्टर है, नहीं पता नहीं एग्जैक्ट कौन है। वहाँ पे भी ट्रैफिक जाम, यहाँ पे भी ट्रैफिक जाम। अभी और एक सीन ऐसा है कि हमारी उम्र सब आ रहे हैं, इसके लिए हमको यहाँ पे खड़ा किया है उमर भाई ने। ओ भाई इतने गर्मी में लेकिन फाइनली हम पहुँच ही गए, लेकिन हमारा धोखेदार बंदा यहाँ पे आके बैठा है, धूप में मेरे को रुकाया इसने और ये इधर आके बैठा है। तो कहीं रुका है फिर मेरे को, तेरे को इधर डायरेक्ट आने का था, तो बोला धीरे धीरे आ रहा, मैं पूरे रास्ते पे देखा तेरे को नहीं मिला मेरे को। बता इसको मुल्ला, ये ऑरेंज लाइट दिखी नहीं देखो हेलमेट की?
अरे ऑरेंज लाइट बोले तो ये हम खड़े किधर थे? कार में नहीं आया भैया, मैं टू व्हीलर पे आया। मेरे को तो कार में हिरवर डाल के इसके लिए तेरा रुकेगा नहीं अभी मैं वापस से। चमक रहा ऐसे यहाँ से दिख रहा है, चमकते दिख तो दोनों अच्छे रहे। वो पैटर्न बनाने का ये लो ग्रीन वाला और प्लेन बनाने का तो ये उमर साथ। अभी भी कंफ्यूज है वो। अब वो मरून निकल गया, अब बचे दो। वैसे पूरा भी बना सकते हैं नवाब साहब, हमारे शादी का पूरा ड्रेसिंग यही से हुआ है। आओ क्या हजरत? तो ये हमारे नवाब साहब, एग्जैक्टली शिवाजी मार्केट में आता है इनका शॉप। अपने शादी का कैसे है ना, आधे से ज़्यादा यहीं पे सिलाया गया था। क्या बोलते मुल्ला जी? यहीं पे। तो मुल्ला जी को भी हमारी सिलाई वगैरह ड्रेसिंग स्टाइल देख के बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप लोगों को भी आएगा कुछ दिनों में जब ईद रहेगी तब। तो देखते रहिए हमारे ऐसे ही व्लॉग्स। अभी यहाँ से हम जाएंगे घर, और वहाँ से फिर हमें जाना है वापस बाहर। भाई आज रोज़ा पूरा कम्प्लीट लगने वाला है, ज़बरदस्त। ज़्यादा हैवी हो गया, मतलब कैंप जाके आने के बाद मैं वाइफ के साथ यानी सोहा के साथ खराड़ी भी गया था वापस से, आज थोड़ा सा फ्रूट का शॉपिंग वगैरह करने के लिए। एंड हियर इज व्हाट यू सी, आज ये सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह आज दस्तरखान पे। तो भी ऐसे भी इफ्तारी का टाइम हो चुका है, बस बचे 10 मिनट। ये धूप की वजह से मुझे और बहुत ज़्यादा जलने लगा है यहाँ पे, यू कैन सी। और यहाँ पे भी छोटा सा आया है ब्लैक में, थोड़ा सा इफेक्ट दे रहा है वो, पता नहीं क्या करें उसका। तो अभी इफ्तारी में बचे 10 मिनट, फिर इफ्तारी के बाद आज बाहर का प्लान है, आप लोगों को मज़ा आने वाला है बाहर का। तो फाइनली हम आए अब्दुल सईद, मुल्ला जी और यासीन का। क्या ऐसा ही कि पूरे रमज़ान में एक बार तो हम लोग आते पीने के लिए तौरा, क्या बोलता अब्दुल भाई? पीने में मगर अब्दुल सईद। तो ये आज की तौरा की जो पार्टी है ये मुल्ला जी की तरफ से। तो ये कैसा है कि पुणे का सबसे फेमस तौरा है, क्या बोलते हैं यासीन सेठ आ गए? एक्चुअल बनता किससे है? दूध और आइसक्रीम से। दूध और आइसक्रीम, बस बस इतना ही। पूरे पुणे से आते हैं यहाँ पे पीने के लिए, जैसे हम लोग आए अभी किस तरफ से किधर आए हम लोग, ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर्स। अलग अलग टाइप का तौरा है, मैं तो लेकिन ये पीता ही। ये क्या है तौरा में? ये तौरा है हैदराबादी, घर पे आ चुके हैं, नमाज हो गई एंड एवरीथिंग इज डन। आज का दिन बहुत ही अच्छा खूबसूरत रहा, शायद आप लोगों को भी ये आज का दिन पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक करना एंड यहाँ तक का वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना ही मत। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है भाई, सब्सक्राइबर्स बनना बहुत जरूरी है। एंड प्लीज बी अ मेंबर ऑफ माय फैमिली यू भाई ऑन बाइक यूट्यूब पे। एंड मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक जो है मैंने नीचे देख रखा है फॉर करंट अपडेट्स। अभी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और पहली बात तो मैं ब्लॉग एंड करना भूल गया था, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 12 राइट नाउ। तो 12 बजने के लिए आ रहे हैं और अभी दिन मेरा खत्म हो रहा है, और क्या ही बताएं। तो ये डिस्टर्बेंस को भी प्लीज नजरअंदाज करना एंड डोंट फील, जिंदगी भर रहने वाला है। हाँ जिंदगी भर रहने वाला है, तो प्लीज फील फ्री टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बस इससे ज्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि अभी बोलने की ताकत भी खत्म हो चुकी है। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब योर चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ Buy on bike. Thank you for watching till here and everything else. So, milte aane wale next vlog mein. Tab tak ke liye, fiyamanila, be good, do good, take care.